थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देखते हैं कि सर आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर ये 9 core basics की थोड़ी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपनी अपलायंस से बात कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग कुछ लोगों ने ली होगी और हम लोग बात करने वाले आज पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इन 9 core steps को मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम में 8,19,250 का 36 महीने से पहले करने का है, 36 महीने में करने का सपना रखते हैं। दूसरा, लिस्ट बनाना होता है। एक नया आदमी लिस्ट बनाएगा या कोई भी काम करना होगा, आज की मीटिंग में बुलाना है तो भी लिस्ट बनानी चाहिए आपको। कैसे बुलाना चाहिए, कैसे इनवाइट करना चाहिए, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। चौथा पार्ट है शो द प्लान, जो आपने ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा होगा। इसमें भी 5 points है, इंट्रोडक्शन, भूमिका, कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान और क्लोजिंग आपने सीखा होगा कहीं ना कहीं, फॉलो अप सीखा होगा। वीकली मीटिंग आपको हर सप्ताह करनी चाहिए, जो आज हमारी मीटिंग हो रही है, ये कैबिनेट 1 की वीकली मीटिंग है एक तरह से। मंथली सेमिनार, जो हर महीने, इसे कल आपने नट्टू भाई चौहान का एक सेमिनार लिया था, ये हर महीने एक सेमिनार होगा, अभी जूम के माध्यम से चल रहा है। और 8वां पॉइंट है क्वार्टरली अचीवमेंट फंक्शन, यानी हर 3 महीने में आपका अचीवमेंट फंक्शन होता है। और सबसे 9वां पॉइंट मुश्किल होता है, देखिए आसान भी है लेकिन मुश्किल क्यों लगता है कि हमारे लोग रोज अपनी अपलाइन को फोन करने का काम करना चाहिए। तो दीज आर द 9 core steps जो नीले से है। पॉइंट नंबर 2 लिस्ट मेकिंग और कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे हम बात करने वाले हैं। छोटी सी पीपीटी है दोस्तों। हमारे बिजनेस में सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों, कच्चा माल क्या है। जैसे कि हम लोगों ने, आपने कुमार और अंबानी साहब की कहानी सुनी थी, अगर हमें अंबानी की तरह या हमारे मेंटोर मिस्टर विधान सर की तरह डेली का 55,000 रुपए का नोट छापना है, या कल के नट्टू भाई चौहान साहब की तरह 16,38,500 रुपए महीने में कमाने हैं, तो कच्चा माल तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यस और नो? आप लोग हार्ट के सिंबल से, और कल नट्टू भाई चौहान ने सिखाया था कि थंब दिखा सकते हैं, अंगूठा दिखा सकते हैं, तो ये आपको कच्चा माल चाहिए होगा दोस्तों। ये कच्चा माल कैसा है डायरेक्ट सेलिंग में, ये कौन लोग हैं, इसके लिए कच्चा माल है लिस्ट। यानी कि अगर आप शादी करते हो का फंक्शन रखते हो, जन्मदिन का फंक्शन रखते हो अपने फैमिली में, तो कितने लोगों की लिस्ट बनाते हो, 300, 400, 500, अपने मेहमान की क्षमता के अनुसार। लेकिन अगर आप केवल 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, इसमें आपकी लिस्ट के प्रकार 3 तरह से लोग हो सकते हैं। 1, 2, 3 लिखा हुआ है, 3 तीर बने हुए हैं तर्क चलाने के लिए। आपका कच्चा माल क्या है इसका, लोग। और भारत में लोगों की कमी है क्या, नहीं कमी है दोस्तों, बहुत लोग हैं। तो आपकी हॉट लिस्ट क्या होगी, पहली होगी हॉट लिस्ट वो लोग जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कभी आपकी बात टालते नहीं हैं। कभी भी आपको ऑफिस में, दफ्तर में या बिजनेस में जो लोग खेती करते हैं, आपको तुरंत जिसकी याद आती है, ऐसे 4-5 लोग आपकी हॉट लिस्ट के हो गए। ऐसे 4-5 लोग जो आपके पड़ोसी हैं, वो आपकी हॉट लिस्ट के लोग हो गए। ऐसे 4-5 लोग जो आपके बचपन के दोस्त हैं, वो आपकी हॉट लिस्ट हो गई। ऐसे 4-5 लोग जो आपके साथ पढ़ाई में थे, ग्रेजुएशन में थे, ऐसे इस तरह से आपके पास 25 लोगों की हॉट लिस्ट होनी हो सकती है। वार्म लिस्ट क्या होती है, जिनको दुआ सलाम होती है, आपके आसपास के गांव के लोग हो सकते हैं, शहर के लोग हो सकते हैं, अगल बगल के लोग हो सकते हैं, दूर के लोग हो सकते हैं, वो आपकी वार्म लिस्ट में आते हैं, जिनसे नमस्ते होती है, आपका हालचाल होता है। लेकिन शादी विवाह का निमंत्रण, न्योता बहुत यदा कदा होता है या कभी कभी नहीं भी होता है। और एक तीसरी प्रकार की लिस्ट है गोल्ड लिस्ट। ये क्या है दोस्तों, ये ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनको आप जानते तो हो, आपके पड़ोस में रहते हैं, बड़े साहब हैं, अधिकारी हैं, या हो सकता है कि बड़े व्यापारी हैं, आपको भी जानते हैं वो कि श्रीकांत यादव जी हैं, लेकिन आपने कभी बातचीत करने का प्रयास नहीं किया, मार्ग में मिल गए तो नमस्ते हो गए। ये कोल्ड लिस्ट आपका दूध वाला हो सकता है, आपका कपड़े वाला हो सकता है, या आप जहां से सब्जियां लेते हैं वो कोल्ड लिस्ट का व्यक्ति हो सकता है, आपका परचून का दुकानदार हो सकता है, आटा की चक्की वाला हो सकता है। ऐसे ही आप लोगों की टोटल लिस्ट आपकी इन 3 कैटेगरी में बनती है। और कैसे लिस्ट को बनाना है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। जो लोग इसके लिए जुझारू हैं, जिस सुरेंद्र कुमार जी ने हाथ खड़ा कर दिया है तुरंत, राजेश दीक्षित जी ने वीडियो ऑफ कर दिया, मुझे नहीं मालूम क्यों किया। ये जरूर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह से ये जो आपके पास नेम, एड्रेस, रिलेशनशिप से संबंध आपका है, या आपके पास
उनका क्या पता है, मोबाइल नंबर है, ये इस तरह से आपको 5-6 खानों के साथ बनानी चाहिए। मैंने भी बनाई थी, और मैंने बनाई तो उन सबको प्लान किया गया, और टिप्पणी में आप डेट ले सकते हैं कब उनसे मीटिंग का समय तय हुआ। तो अगर आप एड्रेस अपना लोकल रखते हैं 50 किलोमीटर में, तो आप लाइन को भी ले जा सकते हैं, और दूर की लिस्ट को अलग शहर वाइज बना सकते हैं। आमदनी क्यों लिखना है, ताकि आपको मालूम चले, आपकी अपलाइन को मालूम चले कि कितनी इनकम वो सोचता है, कितनी इनकम तक ले जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है, और इस तरह से आपको लेके चलना है। तो ये हमारी लिस्ट की बात हो गई संक्षेप में। आइए जानते हैं जो अगला भाग इसका है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे बुलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, लोग नहीं आते हैं। हम लोग प्लान के लिए कॉल करते हैं, लोग नहीं आते हैं। अक्सर हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि इस कंपनी के कई तरह के वीकली मीटिंग, मंथली सेमिनार, क्वार्टरली फंक्शन, और ये सारे काम हमें करने हैं ना। इसके अलावा हमको प्लान भी दिखाना है, उसको फॉलो भी करना है, तो क्या हमें उसको कॉन्टेक्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए? बिल्कुल मालूम होना चाहिए, और आपको पता भी, आप करते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आता है। और रिजल्ट ना आने की वजह आइए देखते हैं। ये 9 पॉइंट है, आप अगर आप समझ लें तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे मैंने 119,000 की कैप लगाई है। आप चाहो तो ऐसे ही आप 119,000 तो कम से कम पहुंच ही सकते हो। तो पहला भाग क्या है, हमेशा आपका इनविटेशन मोबाइल फोन पे होना चाहिए, इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। यानी आपको क्या करना है, मिल करके इनवाइट नहीं करना है, यानी उसको बुलाना है कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आपने अगर नोट कर लिया कि वो व्यक्ति खेती का है, तो आपको बताना है कि यार मैंने देखा एक सिस्टम ऐसा जिसमें लोगों के सब्सिडी कार्ड बनते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे सब्सिडी कार्ड बनाए, और बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी इनकम करी। अगर वो व्यक्ति जॉब क्लास का है, तो प्राइवेट जॉब का हो सकता है, और कैसा हो सकता है, गृहिणी हो सकता है, हाउस वाइफ लेडी हो सकती है, तो आप उनको बता सकते हैं, अरे भाई बहन जी, मैंने एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारी महिलाएं, अनीता जैन जैसी महिलाएं 8,19,250 कमा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनकम कर रही हैं। आप इनकम को चाहे रोक भी सकते हो, आप उनको बता सकते हो टेलीफोन पे कि मैंने एक काम देखा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें कि ऐसी गृहणियां हैं उषा भानुशाली जैसी, जो महिला होने के बावजूद भी नेट सर्फ एक बड़ी कंपनी है, बड़ा काम कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, मतलब फालतू बातें नहीं करनी है। पता चला आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ दी, कुछ और बात छेड़ दी, शादी की बात छेड़ दी, तो बातचीत क्या होने वाली है, काम की नहीं। बी प्रोफेशनल, अपनी बातचीत को शॉर्ट रखें और प्रोफेशनल रखें। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्साइटेड रहें, वाओ। अगर घर के लिए मीटिंग बुलाते हैं, जैसे मुन्ना खान साहब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि समझ रहे हैं, जैसे आप होम मीटिंग में अपने 5-6 लोगों को बुलाना चाहते हैं, और उस दिन आपकी अपलाइन भी आ रही है, तो उनको बोलना, हेलो मेरे दोस्त, हेलो मुन्ना भाई, कैसे हो आप? बोलेगा, बहुत बढ़िया हूँ मुन्ना भाई, मैंने एक नया काम शुरू किया है, उसका घर पे उद्घाटन समारोह रखा है, इनॉग्रेशन फंक्शन, उसमें आपको आना जरूरी है, परसों शाम को 6 बजे मैं उसको कर रहा हूँ, और उस उद्घाटन समारोह में, और उसके लिए मेरे पास, तो बोलेगा, यार क्या काम शुरू कर दिया भाई, तूने अपना काम छोड़ दिया क्या जो कर रहे थे? नहीं, तो बोले, नहीं, मैंने ये एक्स्ट्रा टाइम में शुरू किया है, और बहुत मजेदार होने वाला है, आप भाभी जी को लेके आ रहे हो ना? बोलेगा, यार क्या काम कर रहे हो, कंपनी का नाम क्या है? बोलना, यार सब कुछ मैं फोन पे बता दूंगा, तो कैसे काम चलेगा? यानी आपको रहना है एक्साइटेड, और उसको बताना नहीं है, उसकी उत्सुकता को बरकरार रखना है, कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल बात करनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, शॉर्ट और सिंपल, किस करिए बट डोंट किल, KISS का फुल फॉर्म क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी अपने इनविटेशन को छोटा और सरल बना के रखिए। डोंट किल, KILL, किक मतलब इसको लॉन्ग और लेंथी नहीं रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पांचवा, आस्क FORM फॉर्म को याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पांचवा, कि सबसे पहले जब आपकी बातचीत हो, तो आप उसकी परिवार के बारे में पूछे, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे, काम कैसा चल रहा है भैया, अगर स्टूडेंट हो तो बोलो पढ़ाई कैसे चल रही है, तो बोलेगा, अरे भैया 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है,
और व्यापारी होगा तो बोलेगा यार कहाँ धंधा चल रहा है यार, बड़ी दिक्कतें हैं आजकल COVID-19 में। तो आप कहो ना बोले और कुछ और काम कर रहे हो क्या इसके अलावा। इस तरह से आपको उसकी नब्ज पे हाथ रखना है, ऑक्यूपेशन पूछना है, ताकि आपको उसके बारे में, उसकी जरूरत के बारे में क्या मालूम चल सके, आइडिया लग सके। और अगर रुचि उसकी आप बात करते हैं, जब आप उससे मिलते हैं कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, आपको मालूम चलना चाहिए रुचि क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, आर फॉर रुचि और एम फॉर मैसेज या मनी, मैसेज या मनी के बारे में जरूर बात करनी है उससे। छठा पॉइंट, जब भी उससे समय लें प्लान के लिए, चाहे 1-to-1 मिलने के लिए समय लें, चाहे उससे समय लें आप ग्रुप मीटिंग के लिए, चाहे किसान गोष्ठी के लिए समय लें, उसको टाइम की चॉइस रखने दें, यानी समय उसका होना चाहिए। सातवां पॉइंट क्या है दोस्तों, अपने प्रोस्पेक्ट को 24 से 48 घंटे पहले बुलाना है। ऐसा ना हो कि जिस दिन आज ही निकले हो और फोन करो भैया मैं आ जाऊं क्या तुम्हारे पास, ना ना गलत हो जाएगा। आपको प्लान कर लेना है, अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि एक दिन बाद या दो दिन बाद मैं इस व्यक्ति से, अमरनाथ सिंह जी से मिलने वाला हूँ, महेश जी से मिलने वाला हूँ, ऐसा आपको लिस्ट में, जो आपने लिस्ट बनाई थी उसी में इस पॉइंट को कवर अप करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट को। और अगला पॉइंट है मेंटेन योर पोस्चर। आपका जो पोस्चर है दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। कभी कभी हम लोग प्लान करते करते क्या करने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार तू ज्वाइन कर ले भैया, तू आ जा मेरे साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं। दोस्तों मैं सच बताऊं, आप किसी को देने का काम कर रहे हो, इसलिए आपका पोस्चर, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान ऊंचा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आप उसको 8,19,000 का चीज देने वाले हो, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेगा, आत्मसम्मान का ध्यान रखिएगा, कहीं से भी उसको ये ना लगे कि आपको गरज है, आपको जरूरत है। नवा पॉइंट, कंफर्मेशन। आपको उसको अपनी बातचीत को खत्म करने से पहले उसको कंफर्म करना है, क्या वो भैया आ रहे हो ना उस दिन। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बंद कर लिया है, मुझे नहीं मालूम कि वो वीडियो बंद करके पीछे लोग क्या करते हैं, कई लोग बिजी रहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, दो स्लाइड और बची है छोटी सी। पहला पॉइंट है कि क्या इनवाइट करते समय क्या करें, ध्यान रखिएगा सर क्या करें, ये हिंदी में है तो आप पढ़ भी सकते हैं, आपको समझ में भी आने वाला है। सबसे पहली बात कि आपका जो इनविटेशन है वो बहुत जल्दी में होना चाहिए, मतलब उसमें आप 1 या 2 मिनट में उस बातचीत को खत्म करें। दूसरा पॉइंट है, बातचीत करते समय उत्साहित रहें, आपका एक्साइटमेंट अच्छा होना चाहिए, जिज्ञासा पैदा करें, मतलब उसको क्यूरियोसिटी हो, और हमेशा जल्दबाजी दिखाएं कि यार मुझे कई लोगों को बुलाना है तो मैं फोन रखता हूँ, हम मिलेंगे ना, अभी मिलके बात करेंगे ना, लेकिन इस बात को आराम से और हमेशा सरल लहजे में बात करनी है। और ये याद रखिएगा, जो संख्या आपको मीटिंग में चाहिए, यानी अगर आपको होम मीटिंग करनी है या आपको आज तय किया है कि मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, तो जो फुल टाइमर है जो 5 लोगों को प्लान दिखाना चाहते हैं उनको कम से कम दुगुना लोगों को कॉल करना है, यानी डबल योर इनविटेशन। और जब वो सवाल पूछे टेलीफोन पे, कंपनी का नाम पूछे, प्रोडक्ट पूछे, तो उसके किसी भी समय का जवाब ना दें। अगर आपने उसके सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया तो आपका इनविटेशन लंबा हो जाएगा, वो नहीं आने वाला है, तो कहेगा अच्छा मैं समझ गया आप किस लिए बुला रहे हो। तो मीटिंग का समय तय करें, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, और उससे वायदा जरूर करें। लेकिन एक और खास पॉइंट है, अगली पीपीटी में आपके सामने आ रही है बात कि इनवाइट करते समय क्या ना करें। दोस्तों जानकारी देने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आपने ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करी तो, क्योंकि ना ये आप 30 मिनट का प्लान, 40 मिनट का प्लान उसको कर सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। और बात करते समय हिचकिचाए नहीं, घबराहट करने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ऊंचा होना चाहिए। और ऐसी बातचीत भी बिल्कुल ना करें कि यार एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें मेंबर बनाने हैं, कोई स्कीम निकली है सब्सिडी कार्ड बनाने की, ऐसे शब्दों को बिल्कुल भी ना सोचें, अपनी भाषा से हटा दें। दूसरा, कोशिश करें कि आपकी बातचीत के दौरान आप ना कंपनी का नाम लें, ना ऐसा कुछ कहें कि प्रोडक्ट को बेचना है,
ऐसे कोई शब्द अपने इनविटेशन में बिल्कुल ना रखें। तो इसी तरह से आप अपनी बातचीत को रख सकते हैं, यही हमने बातचीत करनी थी दोस्तों। तो अगर आपने एक और विशेष नोट है, यदि आपने 4-5 प्लान दिखाए हैं अपलाइन की मदद से, उनका फॉलोअप किया है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ने से पहले अपने अपलाइन की हेल्प लेनी चाहिए। ये एडवाइजरी है, और ये भी एडवाइजरी है क्योंकि गारंटी तो जरूर है कि अगर आप 5 प्लान पर डे करेंगे, महीने में 20 दिन वर्किंग रखेंगे तो 100 प्लान होते हैं, या आप जो पार्ट टाइमर हैं 3 प्लान पर डे करते हैं, महीने में 60 होते हैं, हम कहते हैं 50 प्लान भी करते हैं, 10 दिन छुट्टी मनाते हैं, तो भी ये काम 100% होने वाला है। और याद रखिए, इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। तो आप उस बात को कैसे कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ऑल द बेस्ट आपको कहूंगा, शिखर पे जाएं सभी लोग। और